बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। republicpolicy.com की तरफ से मैं अब्दुल लतीफ़ और जोहितार मकसूद चीना साहब मेरे साथ हाजिर हैं आप लोगों की खिदमत में। तो ये हल्का जाती सियासत और डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे हमने आप लोगों की खिदमत में पेश किए। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट तौसा की सूबाई असम्बली की सीट 284 जो आबाई हल्का है साबका वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का। तो इस बारे में मैं चौहान साहब से जानना चाहूँगा कि क्या सूरत हाल है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की और क्या आपको वहाँ पे सियासी गहमा गहमी इस वक्त क्या नज़र आ रही है। जी नाज़रीन इकराम, देखिए हल्का जाती सियासत में सबसे पहला जो हल्का है वो उस्मान बुज़दार साहब का हमने सिलेक्ट किया है। तो सबके इल्म में है ये बात कि वो चूँकि वज़ीर आला रहे हैं और इस वक्त अपनी जो उनकी कारकर्दगी देखी थी उसके बावजूद वो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने जाना कोशिश की है कि वहाँ पे उनके हलका में उनकी क्या पोजीशन है। तो इसलिए आज ये हम हलका डिस्कस करेंगे। वैसे जैसे ही ये सिक्योरिटी का अमल मुकम्मल होगा, उम्मीदवारान पार्टियों के फाइनल होंगे, तो वो आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। उस्मान बुज़दार जो है वो इस वक्त 284 है पंजाब असम्बली का हलका, उसमें से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। वहाँ पे उनके कागजात नामजदगी दाखिल करवाए हैं। ये हलके का पहले जो नंबर था 2018 में वो 286 था। उस्मान बुज़दार साहब की अगर इनका थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखा जाए तो इनके वालिद मोहतरम भी मुतद्दद बार प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर रहे, सरदार फतेह खान बुज़दार साहेब, और उस्मान बुज़दार बज़ाते खुद तहसील नाजम रहे। और इसके उस ये इन्होंने मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ पार्टियाँ जो हैं वो ज्वाइन की। 2001 से लेकर 2011 तक ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा रहे। आपके इल्म में है कि वो दौर था जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने लोकल गवर्नमेंट जो है वहाँ पे इलेक्शन करवाए और जो तहसील नाजम और डिस्ट्रिक्ट नाजम जो उन्होंने बाख्तियार लोकल गवर्नमेंट सिस्टम निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया था। और 2013 से लेके 2017 तक उस्मान बुज़दार साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहे। एकदम 2018 में PTF ज्वाइन की, इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, जीते और फिर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के बाख्तियार वज़ीर आला रहे। बाख्तियार पर आपको इतराज़ तो नहीं होगा कोई? तो मुझे तो नहीं इतराज़ होगा, लेकिन नाज़रीन ज़रूर। बाख्तियार वज़ीर आला रहे 3.5 साल तक और उसके बाद हुकूमत चेंज हो गई और अब इन्होंने एक नई पार्टी जो है वो जो नई पार्टी मारते वजूद में आई है इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी, उसका ये हिस्सा हैं। और जो इन्होंने कागजात जमा करवाए हैं और मेरा ख्याल है इनकी ख्वाहिश होगी कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ और पाकिस्तान जो इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी है उसके टिकट से ये इलेक्शन लड़े। इन्होंने जो कागजात जमा करवाए हैं उनके साथ इनके भाई हैं जाफर बुज़दार, उन्होंने भी वहाँ पे कागजात जमा करवाए हैं। तो ये जो हलका है इसमें ये बुनियादी तौर पे बलोच ट्राइब जो हैं उनका ये हलका है। जो बलोच कबीले हैं उनकी मुख्तलिफ शाखें हैं वो वहाँ पे रहायश पजीर हैं। 4 यूनियन कौंसल जो हैं वो वहाँ पे कैसरानी हैं, इसी तरह कैथरान हैं और लखानी हैं। जो इनका हलका है जो जहाँ इनकी रहायश है बुज़दार साहब की वो है बाथी है और यूनियन कौंसल, इसी तरह फाजला और फोखला वगैरह जो हैं वो इलाके हैं वहाँ पे। ज़ाहिर है इनके भाई जो जाफर बुज़दार हैं उन्होंने भी वहाँ से कागजात जमा करवाए हैं। जो मेरा ख्याल है एंड में एक ही भाई इलेक्शन लड़ेगा, वो जो रवाज है कवरिंग कैंडिडेट का शब्द वो उस लिहाज से। इस तरह वहाँ पर जो मुमताज़ कैसरानी साहब ने भी कागजात जमा कराए हैं, मीर बादशाह कैसरानी जो हैं PMLN की तरफ से वो भी वहाँ से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। और इस तरह वहाँ पे जो बड़े ग्रुप हैं
वो तो हैं बलोचों के साथ साथ जो हैं ख्वाजगान जो है वो ख्वाजा शिराज साहब और ख्वाजा निज़ाम साहब जी बिल्कुल ख्वाजा दाऊद हैं और ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ औकात में मेंबर रहे और अब भी पिछला जो टेन्योर था उसमें भी MNA थे क़ाया साहब और पार्टी के साथ उनके खिलाफात भी रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है सर वो यही है कि उस्मान गुजार साहब अपनी उस यूनियन काउंसिल में जितने भी पॉपुलर हैं बट अब लोग जो हैं जो वोटर है वो अगरचे ये थोड़ा बैकवर्ड हम कह सकते हैं कि लाहौर की नस्बत या बड़े शहर की नस्बत थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है यहाँ पे ग्रुप बंदी ज़्यादा है यहाँ पे धड़ों के वोट हैं लेकिन इसके बावजूद जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं उनकी अहमियत है। अब अगर किसी पार्टी को किसी इलेक्टेबल की ज़रूरत है तो जो इलेक्टेबल्स खुद को कहते हैं उनको भी पार्टियों की ज़रूरत है। फाइनल बात सर मैं उस वक्त करूँगा जब टिकट एग्जैक्ट फाइनल हो जाएगा कि जी फलां पार्टी की तरफ से फलां साहब लड़ रहे हैं फलां पार्टी, क्योंकि यहाँ ये वो हलका है जहाँ पे पार्टियों के साथ साथ जो शख्सियत है उसका भी वोट होगा। अगर इस वक्त आज बात करें सरदार उस्मान गुजार साहब की तो इस वक्त तक तो वो इलेक्शन अगर आज होता है तो पहले और दूसरे नंबर पे जो भी आएगा इस वक्त तक वो तो तीसरे नंबर पे हैं अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो। ज़ाहिर है अभी जब कंपेन होगी कंपेन में वो अपने वोटर को अट्रैक्ट कर लें या इसी तरह इलेक्शन डे मैनेजमेंट में जो इलेक्शन डे पे मैनेजमेंट है उसको बेहतर कर लें तो वो उसमें बेहतर नतज के जो हैं वो उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसको देखते हुए वो यहाँ पे तीसरे नंबर पे हों, पहले और दूसरे नंबर को मैं अभी नहीं डिस्कस करता। शुक्रिया चौहान साहब जी। नाज़रीन चौहान साहब ने तफसील के साथ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में आप लोगों को बता दिया तो ये बात दुरुस्त है। चूँकि इस वक्त सिक्योरिटी का मरहला चल रहा है तो अभी जैसे ही कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होती है और फिर उसके बाद मंजूर होते हैं और पैनल सामने आ जाता है तो देखा जाएगा कि यहाँ पे PTI की तरफ से पैनल में कौन नेशनल असम्बली का कैंडिडेट है और उसके नीचे दो सूबाई असम्बली के, अभी तो नाम के फलां चल रहा है या फलां है तो कागजात अभी जमा हुए हैं तो स्क्रूटनी का मरहला मुकम्मल होगा, पैनल सामने आएगा, PTI की तरफ से पैनल कौन है, PMLN की तरफ से कौन है और जो सरदार उस्मान बुज़दार साहब हैं ये किस पैनल की तरफ से हैं, तो फिर ही हम नाज़रीन को बेहतर तजिया दे सकेंगे। इसके साथ ही मुझे और चौहान ताहिर मकसूद साहब को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।